हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक सुंदर सा एक पैडी धान का खेत है, और क्योंकि इस टाइम भी धान होता है, पर ये कुछ अलग वैरायटीज के धान होते हैं इधर। और क्योंकि गांव का इलाका है थोड़ा सा, और फैक्ट्रियाँ काफ़ी है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री है। अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके से ये धान के खेत है इस टाइम, क्योंकि धान लोग लगाते भी है। जून का महीना है तो कुछ जगह में धान को लगाते भी है, और कहीं कहीं पर धान तैयार भी है, क्योंकि इन सब खेतों में लगभग लगभग धान की खेती डबल डबल लिया जाता है। ये धान को काटने के बाद फिर और एक धान लगाया जाएगा, तो इस तरीके से, क्योंकि इसको पकने में अभी भी लगभग लगभग एक महीने का टाइम ले लेगा, तो उसके बाद फिर से धान लगाया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और एग्रीकल्चर एरिया काफ़ी बड़े स्पेस में है। एंड बताऊँ तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी सी एक कंपनी भी है, इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है इधर। और इधर क्योंकि हम लोग आए हुए थे घूमने, और क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं तो इधर थोड़ा सा खेत का भी एरिया पड़ता है, रूरल एरिया है, तो इधर हम आ गए थे घूमने, तो हमने सोचा इधर आके एक वीडियो बनाया जाए। और इस तरीके से बिल्कुल, क्योंकि ये जो अगर मैं इस धान की बात करूँ तो ये बारीक धान होता है, और इसके एकदम लंबे लंबे इसमें धान होते हैं, और इसके चावल काफ़ी लंबे होते हैं, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, एंड ये खुशबू भी आता है इसमें से। तो और बताओ तो गर्मी, इतना बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर नीचे का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों की तरफ की बात करूँ तो पहाड़ों की तरफ फिर भी थोड़ा बहुत ठंड रहता है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू होता रहता है, पता नहीं रहता है कि किसी वक्त बारिश होता है तो मौसम का मिजाज चेंज हो जाता है। तो नीचे की तरफ आए हुए हैं तो काफ़ी गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर तो। और साथ में भाई भी है अपने, तो हम लोग आए हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा खेतों की तरफ होके आते हैं थोड़ा, क्योंकि हरियाली होता है जिधर उधर, टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत कम होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरीके से बताऊँ तो यहाँ पे धान का खेत है ये, एंड इस तरीके से दिखाऊँ तो यहाँ पे बारीक धान है ये, और क्योंकि इसको बस अभी एक महीने के अंदर ही कटिंग हो जाएगा, एंड ये जून का महीना है, तो जुलाई में जाके फिर से जुलाई के लास्ट में या जुलाई के स्टार्ट लगभग लगभग जुलाई के मिडिल में ही फिर जाके इसमें दूसरा धान लग जाता है, तो डबल धान को लगाते हैं, उसके बाद इसमें मटर या सरसों वगैरह इन सारे चीज़ों की खेती को करते हैं। एंड हरियाली है तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, एंड टेम्परेचर भी सही रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं खेतों की तरफ, पर अगर खेत में पानी होता तो और ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि भाप बनता रहता है, पानी कंटिन्यू सूर्य की रोशनी पड़ता है तो बाष्पीकरण होता है, जिससे कि पानी का यानी कि ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है बाष्प बन के, जिससे टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी क्योंकि अभी बताओ तो खेत में इस टाइम बिल्कुल पानी नहीं है। और इस तरीके से धान है, कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर लगता है, और बिल्कुल बारीक बारीक धान है, और खुशबू भी बहुत है इसमें, खुशबू बहुत आता है इस धान से। इस धान की बात करूँ तो कौन सी वैरायटी है, 1509 है, हाँ 1509 है, 1509 कहते हैं इसकी वैरायटीज़ है, कहते हैं कि इसमें से खुशबू बहुत निकलता है, इसके चावल में भी बहुत ज़्यादा खुशबू होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, और काफ़ी महंगा भी होता है ये जो धान है, और इसकी पैदावार थोड़ा सा कम होता है, पर कहते हैं लगभग लगभग 20 से 25 क्विंटल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसके खुशबू बहुत आता है इस चावल से, तो ये काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि धान की रेट ऐसा है और चावल काफ़ी महंगा होता है। एंड बताऊँ तो, और इस तरीके से मोबाइल नेटवर्क हर जगह लगा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि खेतों में बताऊँ, गाँव हो चाहे कहीं पर भी हो, आज के डेट में मोबाइल नेटवर्क की बात करूँ तो मोबाइल नेटवर्क आपको हर जगह पर मिलेगा, और नेटवर्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एंड काफ़ी बढ़िया है मोबाइल नेटवर्क, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एक ये टावर है, उधर भी टावर है, काफ़ी सारे हैं, और ये उत्तराखंड के तराई एरियाज़ में आता है, यहाँ पे नेशनल हाईवे की रोड भी है, जा सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगा एकदम। यहाँ से बताओ तो बिजली की बड़ी लाइनें भी गया हुआ है, बहुत बड़ा लाइन है, जो कि सीधा एकदम पहाड़ों के की तरफ से नीचे की तरफ किया हुआ है, क्योंकि बताओ तो टिहरी की तरफ बिजली भी बनता है, शायद उधर से भी आया होगा, हमने सोचा आज गांव की तरफ जाएंगे और खेतों की तरफ देखेंगे कि कैसा है, तो काफ़ी आगे की तरफ एक मोटर भी लगा हुआ है, तो मैं उधर जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को नहाने का मन कर रहा है, पर मैं कपड़े लाया नहीं, क्योंकि पानी वाली मोटर रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और उसमें नहाने में ना काफ़ी मज़ा आता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर नहा भी रहे हैं, और वहाँ पर मोटर चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट वाला मोटर सबमर्सिबल लगा होता है इधर की तरफ,
और वहाँ पे नहाने के लिए आते हैं लोग, क्योंकि काफ़ी ठंडा ठंडा पानी होता है, बहुत ही ठंडा पानी होता है। सबसे बढ़िया यहाँ पे ये लगता है क्योंकि खेतों की तरफ हम जब भी आते हैं तो पानी, और अचानक से बताओ तो मोटर भी स्टार्ट हो गया इधर की तरफ भी एक, और यहाँ से कंटिन्यू पानी निकल रहा है, और देख के मेरे को बस नहाने का मन कर रहा है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे हाथ की सीध में बैक साइड में बाइट सा थोड़ा सा चमक रहा होगा, और यहाँ पे एक मोटर है, प्लस बैक साइड की बात करूँ तो वहाँ पर एक मोटर है। और बस हम कपड़े लाए नहीं थे, हमने फ़ोन कर दिया कि कपड़े लेके आ जाओ क्योंकि हमें नहाना है। क्यों भाई, आपको भी नहाना है ना, तो कपड़े लेके भाई हमारे आ रहे हैं पीछे बैक साइड से, और उसके बाद नहाएंगे यहाँ पे क्योंकि उधर एक समरसिबल लगा हुआ है, उधर भी मोटर भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे नहाना है हमें। क्योंकि इधर की तरफ की बात करूँ ना तो इधर हम जा नहीं सकते, इधर जाने के लिए रोड नहीं है क्योंकि नदी का किनारा है, तो वहाँ पे काफ़ी डेंजर भी होता है क्योंकि जंगली, या अगर बात करूँ तो सांप बिच्छू वगैरह हो सकता है, तो उधर हम जाएंगे नहीं, इसलिए इधर सेफ एरिया है। एंड ये जो रोड है, इस रोड से हम आगे की तरफ ये मकान बना हुआ है बिल्कुल वहाँ पे, जो काफ़ी लोग वहाँ पे भी नहा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके हम उसके बाद हमें नहाना है। हम सोच रहे हैं कि इसी मोटर पे हम जाए, पर अभी हमें रोड देखना पड़ेगा कि वहाँ से जाने के लिए रास्ता है कि नहीं, क्योंकि इधर साइड से एकदम एक नहर सा बना हुआ है एंड उसके साइड से बिल्कुल रोड गया हुआ है, मतलब उसके साइड से जाना पड़ेगा, पर हमें देखना है कि हम जा सकते हैं कि नहीं। अगर पैदल जाने का रास्ता कैसी भी हो तो हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले देखना पड़ेगा क्योंकि ये है बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से, लेकिन मुश्किल है, यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से रोड नहीं, ब्लॉक है पूरा बिल्कुल एकदम, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, यहाँ से ब्लॉक है एकदम, यह गंदा पानी है बहुत नीचे की तरफ। फाइनली हम जा रहे हैं बस, क्योंकि हमारे पास ये टवेल वगैरह नहीं था, इसीलिए हमने मंगवाया कॉल करके, क्योंकि नहाने का मूड बन चुका है, बस फ़ोन कर दिया भाई हमारे लेके आ गए हैं और हम जा रहे हैं, क्योंकि एक वहाँ बताओ तो बैक साइड में भी एक समरसिबल लगा हुआ है, पर वहाँ पे मैंने बताया जा नहीं सकते हम, इसीलिए हम ये इधर की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद नहाएंगे तो काफ़ी कूल एकदम मस्त और काफ़ी बढ़िया है, पर क्योंकि धान का खेत है तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए कंटिन्यू रात भर जब भी लाइट आता है तो लगभग अभी इस टाइम चला के रख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बाली रात में भी चलता है। हाँ रात में भी चलता है, लेकिन बाली निकला हुआ है तो बहुत ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत है, तो इसीलिए चला के रखना पड़ता है। बस हम अब पहुँचेंगे, उसके बाद हम नहाएंगे वहाँ पे। सो बताओ तो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से धान की छोटे छोटे कैरिया बना रखा है, ये पौछाला कहते हैं, क्योंकि ये धान कटने के बाद ये जो पेड़, ये मेरे बैक साइड में जो धान है ये काटने के बाद इसमें जो पौधा है ये तैयार हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक महीने के अंदर लमसम, उसके बाद इसी की रोपाई करते हैं। और इस तरीके से मोटर की पानी को आगे की तरफ दूसरे प्लॉट में लेके जाया जा रहा है जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं, वो है मोटर, अब वापस जाएंगे, बिल्कुल कपड़े उतारना है और नहाने में लग जाना है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं और ये है मोटर, और यहाँ पे नहाना है हम लोगों को, और ये भाई कपड़े भी लेके आ गए हैं क्योंकि इसको, क्योंकि बता रहे हैं कि मोटर पे पानी ना जाए बिल्कुल, और उसको देख के थोड़ा, क्योंकि पानी का छिड़काव आएगा तो उसमें वायर वगैरह लगा हुआ है काफ़ी, तो दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पे नहाना है बस, और बिल्कुल कूल हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि एकदम ठंडा ठंडा पानी है, तो मोटर का पानी होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और एक बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी होता है, काफ़ी गहराई से क्योंकि पानी निकलता है। और बैक साइड की बात करूँ तो इस तरीके से धान ही धान, टोटल धान ही धान, क्योंकि इस टाइम हर जगह पर धान की रोपाई हो रहा है इस जून के महीने में, और यहाँ पे अभी धान तैयार है, और इसके बाद लगभग एक डेढ़ महीने बाद इसकी कटिंग के बाद उसके बाद रोपाई होगा। और इस तरीके से अब हम नहाने की कर रहे हैं तैयारी, तो नहाने की कर लिया हमने तैयारी, पूरा तैयार है हम इस टाइम, और जाएंगे मोटर की तरफ, क्योंकि मैं फ़ोन को, क्योंकि वाटर प्रूफ है तो हमें एक पॉलीथीन की ज़रूरत था। ये भी आओ यार, हम भी जब